फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज बहुत दिन बाद, शायद बहुत महीनों बाद मैं सोसाइटी से बाहर निकल रही हूँ और मेरी पूरी फैमिली भी साथ में है। हम खाना खाने जा रहे हैं साथ में, तो चलिए आपको ले चलती हूँ। मदर इन लॉ भी आई है साथ में, इवान को पकड़े हुए हैं। उसको बाहर देखने का बहुत इंटरेस्ट हो रहा है अब, क्योंकि इतने दिन से बाहर निकला नहीं है वो, तो देखो बाहर कूद ही जाएगा लगता है। पुटिन जी गाड़ी चला रहे हैं, बहुत चाहे हैं, ज़्यादा उनका वीडियो ले नहीं सकती, डिस्टर्ब कर नहीं सकती अभी, लेकिन आपको दिखा दिया बस। इवान रेस्टलेस हो रहा है अभी, तो इसको आगे आना है, कोशिश कर रहा है। पहली बार इतना दूर आया है शायद, ये पहले भी आ चुका लेकिन तब बहुत छोटा था, उसको कुछ समझ नहीं आता था, अभी सब कुछ क्लियर दिखने लग गया है उसे। ये हर जगह फ्लाईओवर्स के वजह से ट्रैफिक कम लगता है, वैसे तो गाड़ियां बहुत है लेकिन बढ़ जाती है। ये देखिए आप, नदी जा रही है सिटी के बीच से और यहाँ बोटिंग वोटिंग सब चल रही है, तो ये कितने बार हम सिटी तक जाते हैं तो कितने बार इसको क्रॉस करते हैं। आप ये जो पेड़ देख रहे हैं हर जगह, ये यहाँ की गवर्नमेंट पहाड़ियों से उखाड़ के लाती है सिटी में लगाने के लिए, सिटी का ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, तो वहाँ से लाती रहती है पूरा जड़ के सहित उखाड़ के लाती है और पहाड़ों पे फिर से रीप्लांटेशन करती है, तो वहाँ पे कुछ सालों में पेड़ उग जाते हैं। और ये जो भी आपको लाइट्स दिख रही है मेन रोड्स पे और फ्लाईओवर के ऊपर, सारी सोलर पावर वाली लाइट्स है जो अपने सूरज से चलती है, तो सब पे सोलर पैनल लगे हुए हैं। मेरे पापा भी इसी में काम करते थे पहले राजस्थान में, 4 साल उन्होंने काम किया था ये डेवलप करने के लिए। मैं हमेशा भूल जाती हूँ सब्सक्राइब के लिए बोलने का, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और लाइक भी छोड़ के जाइए। एक अच्छी बात है कि यहाँ पे स्ट्रीट साइन में इंग्लिश में भी लिखा है, सिर्फ चाइनीज़ में नहीं लिखा, तो फॉरेनर जो आते हैं वो पढ़ सकते हैं कि वो कहाँ पे है। ये लेफ्ट में आपको ग्रीन बस दिख रही है ना, ये ग्रीन कलर की बसेस सारी इलेक्ट्रिक है, यानी बैटरी से चलती है, तो यहाँ पे ज़्यादातर बसेज बैटरी से चलने वाली हो गई है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। देखिए ये भी बैटरी वाली कार है, जो भी ग्रीन नंबर प्लेट है वो बैटरी वाली कार सी है, यहाँ पे बहुत चलती है, नहीं हर 2-3 कार में एक तो दिख जाएगी आपको। बहुत महीने हो गए रेस्टोरेंट में खाना खाए हुए, सच में आप लोगों को भी बहुत टाइम हो गया होगा। बस अब पहुंच ही गए हम यहाँ पे, बस पार्क कर रहे हैं गाड़ी, थैंकफुली पार्किंग मिल गई है, नहीं तो आजकल पार्किंग मिलना हर जगह बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पे तो बहुत जगह है भाई पार्किंग की। ये फुटपाथ जो है ना, यहाँ पे बैटरी वाले स्कूटर चल सकते हैं, बाईसाइकिल चल सकती है, तो इसलिए लोग चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल चाइनीज़ स्ट्रीट है, यानी ये कोई सिटी के अंदर नहीं है, ये आप बोल सकते हो सिटी के दूर का एरिया है, और यहाँ पे किसी भी सिटी में आपको ऐसी ही स्ट्रीट दिखेगी, यानी लोग आ रहे जा रहे कितने देख सकते हैं आप, कितनी भीड़ है। तो मुझसे कब से लोग पूछ रहे थे कि कंट्रोल हो गया, अभी भी लॉकडाउन वगैरह है क्या, या लोग कितने बाहर निकलते हैं, तो आप देख सकते हो कि लोग तो सारे बाहर ही हैं ऐसा लग रहा है ना, लोग तो सारे बाहर ही हैं। और बस यहाँ पे ये पीछे मेरा रेस्टोरेंट है और मैं आपको आगे का ये दिखा रही हूँ, चौराहे पे है ये, तो वही आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, गर्मी में पसीना पसीना हो गया है पूरा। हाँ, और ये मैं जो चौराहा आपको दिखा रही थी पीछे है,
अभी मैं अंदर जा रही हूँ, अंदर सब ऑलरेडी इवान और मेरी मदर इन लॉ ओडिन सब अंदर जाके बैठ गए हैं, मेरा वेट कर रहे हैं। बस मैं यहाँ पे आई थी आपको स्ट्रीट दिखाने के लिए। देखिए कितनी एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, कितने सारे लोग हैं, सारी दुकानें खुली हुई है। ठीक है मैं अभी अंदर जा रही हूँ। ये अच्छा रेस्टोरेंट है, हम पहले आ चुके हैं आप। ये एक कुंग फू करता हुआ आदमी है बाहर, इसका लोगो। और ये मैंने जो आपको चाइनीज़ लालटेन दिखाई थी ना ट्रेडिशनल, ये वही है। हर रेस्टोरेंट के बाहर ही थोड़ा मेन्यू ऑफर्स वगैरह लगा देते हैं लोग। देखिए यहाँ का ये जो ट्रेडिशनल पॉट है, पौधे वौधे उगाते हैं वो। और एक बच्ची मेरे को देख रही है, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे पागलों जैसे। चलो मैं अंदर जाती हूँ फिर। देखिए ये है एक टिपिकल चाइनीज स्टाइल का रेस्टोरेंट, ट्रेडिशनल टाइप का। यहाँ पे यहाँ का लोकल फूड मिलता है गोंगजो का एकदम। और ये देखिए मोस्टली ट्रेडिशनल चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में टेबल गोल होती है, यहाँ पे स्क्वायर शेप की है। देखो ये एक ट्रेडिशनल आप बोल सकते हो। तो इस टेबल का ये फ़ायदा होता है ना, वो ये जो पत्थर है ना ये घूमता है, तो इसको घुमा के लोग खाना ले लेते हैं एक एक करके, क्योंकि बीच में जो है एक साथ खाना पड़ा रहता है, हम एक एक प्लेट में नहीं लेते। जो आपको चाहिए वो चॉपस्टिक से उठा के ले लेते हैं, तो एकदम कम्युनिटी जैसे खाना खा रही है साथ में वैसे होता है। इवान और ओडिन, हे इवान। तो ये है मेन्यू यहाँ का। यहाँ पे ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में मेन्यू में फ़ोटो रहती है, या तो बुक टाइप का होता है जिसमें एक एक पेज पे फ़ोटो होती है, या फिर एक साथ फ़ोटो है। तो आपको जो चाहिए ना उसमें टिक कर दो, या कितना चाहिए उसमें 1-2 यहाँ पे लिख दो। तो ये मेन्यू यानी एक बार यूज़ होके फेंकने वाली चीज़ है, सब लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। आप इसमें लिख के फिर इसको बाद में वो लोग फेंक देते हैं। देखते हैं इसको भी कुछ खिला सकते हैं कि नहीं, पता नहीं। यहाँ पे ये इतना बड़ा तो हुआ नहीं है कि खाएगा यहाँ पे खाना। देखते हैं हो सकता है कोई अच्छा आइटम हो। एकदम ट्रेडिशनल चाइनीज़, ऊपर से लकड़ी का काम, जैसे हमारे पत्थर का काम होता था ट्रेडिशनली ना चाइना में, लकड़ी का काम होता है सारा। आप फर्नीचर तो खैर लकड़ी का होता ही है, उसके साथ घर वर यहाँ पे जो किले वगैरह सारे लकड़ी के ही बनते थे। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, वेटर्स ज़्यादातर इसको भी हंसी आ रही है, वेटर्स ज़्यादातर औरतें होती है यहाँ पे। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन वेटर्स ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट में ज़्यादातर 99% औरतें ही होती है, और एक दो आदमी मिलेंगे आपको मुश्किल से कहीं पे। तो वही है। ये देखिए ओडिन ऑर्डर करने का वेट कर रहा है कब से, कब आएगा वेटर। वेटर भी बहुत बिजी है देखो आप। अब इस टाइम भी अभी लंच का टाइम नहीं है, डिनर का टाइम भी अभी इतना जल्दी नहीं हुआ है, 4-1 बज रहे होंगे, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग आके खा रहे हैं यहाँ पे। ये रेस्टोरेंट सच में अच्छा है इसलिए इतने लोग हैं। और ये देखिए यहाँ पे चाय का, बाद में ओडिन आपको चाय बना के दिखाएगा यहाँ पे ट्रेडिशनली चाइना में चाय कैसे बनाते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे कि वेटर को आप अपना बराबर का मान के चलो, यानी उनको रूडली आप बिहेव नहीं कर सकते, तमीज़ से पेश आना पड़ता है बहुत, और उनको अपने से नीचे मत देखो बस। और वो भी आपके साथ ऐसे नहीं करेंगे कि वो बस आपकी सेवा में है, वो आपके हेल्पर के जैसे हैं। तो ये अभी बता रही है क्या क्या चीज़ें यहाँ पर नई है, और हम उस हिसाब से देखेंगे कुछ और ऑर्डर करना है। अभी ये बना रहे हैं चाय, तो इसने पहले ही धो दिया है। चाय के बर्तन को पहले धोना पड़ता है, जो भी कप्स वगैरह है ना वो धोने पड़ते हैं। देखिए
फ्रेंड्स, ये चाइनीज़ बंस हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, मेल्ट इन द माउथ होते हैं, तो ये आप खाते ही मुंह में मेल्ट हो जाते हैं, आपको च्यू नहीं करना पड़ता। और ये शंघाई डम्पलिंग्स हैं, तो यहाँ पे मोमोज को डम्पलिंग्स बोलते हैं, और होती तो टेस्ट में वैसी है, थोड़ी अलग होती है लेकिन थोड़ी वैसी भी होती है। और ये मैं खा रही हूँ, वही देखो आप खाने के बाद इसके अंदर से पुडिंग जैसा निकलता है, तो ये मीठा मीठा है, अंदर से केक के जैसा लग रहा है। ये राइस नूडल्स हैं, और ये साउथ चाइना में खाते हैं। नॉर्थ चाइना में आटे वाले नूडल्स खाते हैं, और साउथ चाइना में ये ग्लास नूडल्स भी बोलते हैं इसको, ग्लास के जैसे लगते हैं, थोड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ये राइस नूडल्स हैं, बहुत टेस्टी हैं, ये भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है लेकिन टेस्टी है। देखिए फिश बॉल है, ये बना तो मैदा से है लेकिन इसमें सिर्फ फिश का फ्लेवर है। और आपको प्लेट्स नहीं मिलेगी, आपको कटोरी में लेके खाना पड़ता है खाना, प्लेट्स नहीं मिलेगी अपने जैसे, सब लोग एक ही बीच में से ले लेके खाएंगे। और यहाँ पे कुछ 5-6 डिशेस, अभी और डिशेस आने वाली। ये देखिए, ये हमारा जैसे जमीकंद होता है, आपके जो रूट वेजिटेबल्स होती है ना, आलू जमीकंद और स्वीट पटेटो जो होता है ना, उसके जैसे ये यहाँ पे है चाइनीज़। बहुत लंबा होता है, पतला सा, और बहुत टेस्टी होता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, किस किस को मोमोज अच्छे लगते हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेरे को बताना है, और किस किस ने घर पे बना के देखे हैं वो भी बताना। आप ये ना खाने के बीच बीच में पानी की जगह चाय पियो यहाँ पे तो। और जैसे आपने सुना होगा ना, ग्रीन टी बहुत हेल्दी होती है, तो वैसे ही यहाँ की जो भी चाय है ना, पेड़ पौधों से, फूलों से बनती है, तो वो हेल्दी होती है बहुत, ग्रीन टी के जैसे ही। आप उसको कितना भी पी सकते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा उसका। और वही बिना शुगर के होती है तो और भी अच्छी बात है, बिना शुगर के होती है तो के लोगों को टेस्टी वैसा पसंद है, चाय में चीनी नहीं, चाय में आपको एक्चुअल जो चीज़ की चाय बनी है उसका टेस्ट आना चाहिए। हम चाहते तो नहीं थे लेकिन आ गया। और खाना तो ये इन्होंने फिश मंगवाई है अपने लिए, मुझे तो इतनी पसंद नहीं है, ये ही खाएँगे। फ्रेंड्स, हमारा खाना हो गया है ख़त्म। ये देखिए, थोड़ा टाइम लगा इसलिए मैंने पूरा शूट नहीं किया, आप लोग एकदम बोर हो जाते, तो अब मैं भी निकलती हूँ। ये लोग ऑलरेडी जाके अपनी गाड़ी पार्किंग में से निकाल रहे हैं। तो आपको दिखा देती हूँ शाम के टाइम ऐसा लगता है, और लाइफ कितनी नॉर्मल हो गई है यहाँ पे। फिर रेड लाइट नहीं तोड़ सकते यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पैसे भरने पड़ जाएंगे। यहाँ पे सिग्नल पे कैमरा लगे होते हैं, आपका तुरंत फ़ोटो खिंच जाता है और आपके अकाउंट में से पैसे निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, बाद में आता है लेटर कि भाई आपके पैसे कट चुके हैं। यहाँ पे इतना ब्राइट और रेड इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे दुकानों में चाइनीज़ कैरेक्टर्स में लिखा रहता है, तो जो भी यहाँ के अक्षर है ना, वही हर जगह पे
आपको दिखेंगे दुकानों के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, तो उसी को सजा के लिखते हैं। बाकी कोई ड्राइंग, कोई फ़ोटो वगैरह, पिक्चर वगैरह नहीं दिखेगी आपको। इस जगह का नाम फैनियो है। यहाँ पे हम पहले रहते थे, एक साल से ज़्यादा पहले हम यहाँ से शिफ्ट हो गए थे, तो उस टाइम यहीं रहते थे। कुछ और इंडियन फ्रेंड्स भी हैं मेरे जो यहीं पे रहते हैं, मैं आपको आगे के वीडियोस में मिलाऊंगी, जो यहाँ गुआंगझू में एक्चुअली आई थिंक 20-20 साल से रह रहे हैं, तो वो इंटरेस्टिंग होगा एपिसोड। ये देखिए ओयो होटल यहाँ पे भी। आपको यहाँ पे कोई हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, यहाँ पे हॉर्न बजाना इलीगल है। और देखिए ये कितनी सारी लाइट्स, ये लाइट्स यहाँ पे हमेशा ही रहती है और न्यू ईयर के टाइम और भी लग जाती है। तो ये बस ये वही फार्मिंग वाला एरिया है, हम अपने घर के पास आ गए हैं जहाँ पे बहुत सारे फार्म्स हैं, फार्मर लोग रहते हैं। और ये सर्किल भी हमारे घर के पास है, देखिए इतना सुंदर बनाया है, पूरा पत्थर का बनाया है। ये एरिया दिखाऊंगी आपको एक दिन, बहुत ही अच्छा है। अच्छा लगा आज बाहर जाके, इतने दिनों बाद थोड़ा चेंज हो गया। ऑल दो मैं थोड़ा थकी हुई थी, इतने दिन से मेरी नींद नहीं हुई वान के चक्कर में, लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान को कुछ अलग से कर लेना चाहिए कितनी भी थकान हो। और बस आगे मैं ट्राई करूँगी कि आगे के वीडियोस में थोड़ा मैं फ्रेश होके बनाऊँ, थोड़ा सा नींद लेके बनाऊँ। आज के लिए बस इतना ही, मैं भी आज जल्दी सो जाऊँगी। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, और इस वीडियो को लाइक देना नहीं भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, थोड़े ही दिनों में, हाँ मे बी 2-3 दिन में। बाय।